तो अभी उन्होंने बयान दिया कि भाई दशहरे में रावण की बजाय हमारे मोहन साहब का नाम लेके की, तो इस तरह के बयानों से पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग मानने वाले हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। पैगंबर साहब पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल शख्सियत अब तक की पैदा हुए हैं। तो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ आज सीकरी SDO को जमीयत उलेमाए राजस्थान के सदर मौलाना राशिद साहब के नेतृत्व में इलाके के जिम्मेदार लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि यति नरसिंहानंद को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और साथ ही जो उसके अन्य सहपाठी हैं उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। साथ ही इस ज्ञापन में ये भी लिखा गया है कि जिस तरीके से यति नरसिंहानंद ने बयानबाजी की है, नबी की शान में गुस्ताखी की है, उससे मेवात सहित पूरे देश भर के मुस्लिम समाज के लोगों में भारी रोष है और गुस्सा है। ऐसे में जगह जगह यति नरसिंहानंद के खिलाफ ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार अलग अलग तरीके से अपनी नाराज़गी जताई जा रही है। वहीं आज मेओ बोर्डिंग सीकरी में जमीयत उलेमाए राजस्थान सदर मौलाना राशिद साहब के नेतृत्व में नगर से पूर्व विधायक वाजिब अली वे प्रधान जी मुबीन वे इलाके के जिम्मेदार लोगों ने मिलकर के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति के नाम सीकरी SDO को ज्ञापन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वे भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए इन कड़े कानूनों का प्रावधान भी होना चाहिए। साथ ही सभी ने मिलकर के ये भी फैसला लिया है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से सीकरी में इलाके के जिम्मेदार लोगों ने इकट्ठा होकर के SDO को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द यति नरसिंहानंद को फांसी होनी चाहिए, इससे पहले नुहू अनाज मंडी में भी भारी तादाद में इलाके के जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए और साथ ही अपना रोष प्रकट किया, अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में ये मांगे रखी गई कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ उचित कार्रवाई करें और साथ ही जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दें। तो अभी उन्होंने बयान दिया कि भाई दशहरे में रावण की बजाय हमारे मोहन साहब का नाम लेके की, तो इस तरह के बयानों से पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग मानने वाले हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। पैगंबर साहब पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल शख्सियत अब तक की पैदा हुए हैं, तो उनके खिलाफ ज्ञापन दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे समाजों के अंदर ये दुष्भावना ना पैदा हो। और जब ये साधु संत अगर इस तरह की बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर इससे जो है सामाजिक तौर ताना बाना जो है वो बिगड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया के नाम पे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई करे और जो हमारे देश की जो भाईचारा प्यार प्रेम संस्कृति है ये मजबूत रहे। कुछ विशेष ताकतें या कुछ विशेष लोग जो है ये भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि चाहे इस्लाम के खिलाफ किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आदमी गलत बोले तो कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद।